बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया था कि 15 सितंबर से तमाम तलीमी इदारे जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी तमाम पॉलिसीज जो थी वो फाइनल करना बाकी थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटीज़ की तमाम जो है पॉलिसीज फ़ाइनल कर दी गई है। इसके बारे में हुकूमत का क्या कहना है वो आप सुनते चलिएगा, लेकिन इससे पहले तमाम तलीमी मालूमात लेने के लिए न्यूज़ पॉइंट हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 15 सितंबर से सरकारी यूनिवर्सिटीज़ खोलने की पॉलिसी फ़ाइनल कर दी गई है, जिसमें 30% तुलबा को यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा। एमफिल पीएचडी के लिए 15 सितंबर से क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया है स्ट्रिक एसओपीज के जरिए। यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए बड़ी खबर है, 15 सितंबर से सरकारी यूनिवर्सिटीज खोलने की पॉलिसी के मुताबिक एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स और सिर्फ 7वें सेमेस्टर के तलबा हाजिर होंगे, बाकी तलबा यूनिवर्सिटी आने पर पाबंदी होगी। यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए बड़ी खबर, 15 सितंबर से सरकारी यूनिवर्सिटीज खोलने की पॉलिसी के मुताबिक एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स और सिर्फ 7वें सेमेस्टर के तलबा हाजिर होंगे, बाकी तलबा पर यूनिवर्सिटी आने के हवाले से पाबंदी होगी। जी हाँ, आपको अपडेट करें हैं एक अहम खबर के हवाले से। यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए बड़ी खबर है, 15 सितंबर से सरकारी यूनिवर्सिटीज खोलने की पॉलिसी के मुताबिक एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स और सिर्फ 7वें सेमेस्टर के तलबा हाजिर हो सकेंगे, जबकि बाकी तलबा पर यूनिवर्सिटी आने पर पाबंदी आयद होगी। यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए बड़ी खबर है, 15 सितंबर से सरकारी यूनिवर्सिटीज खोलने की पॉलिसी के मुताबिक एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स और सिर्फ 7वें सेमेस्टर के तलबा हाजिर हो सकेंगे।